ब्राह्मण विकास परिषद की नगर इकाई की बैठक समाज सेवी विनीता पांडे के आवास पर संपन्न हुई, जहां पर जनपद में अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करने वाले स्वजातीय बंधुओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम ब्राह्मण विकास परिषद के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश पांडे ने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में एक मुकाम हासिल करने वाले लोगों को ब्राह्मण विकास परिषद द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें ब्राह्मण विकास परिषद के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश पांडे और महामंत्री संजय त्रिपाठी को नगर अध्यक्ष डॉक्टर पंकज उपाध्याय द्वारा माल्यार्पण का सम्मानित किया। वहीं जिलाध्यक्ष ऋषिकेश पांडे द्वारा DCSKPJ कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर सर्वेश पांडे का माल्यार्पण कर भगवान परशुराम के स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान का सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वेश पांडे को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, आज नगर इकाई द्वारा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रहा है, जिसमें सर्वप्रथम हमारे सर्वेश पांडे जी, जो हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्मान से सम्मानित हुए थे, होने वाले हैं, उनका सम्मान किया गया है। इसी में हम लोगों के बीच में श्रीमती आभा त्रिपाठी जी, उनका सम्मान हुआ है। श्रीमती गीता पांडे जी, उनका भी सम्मान हुआ है। वो अपने सहजन की खेती में आपने जो बहुत बड़ा सहयोग किया है, पूरे समाज में जो एक नई विचारधारा उत्पन्न किया है, उनका सहयोग हुआ है। और साथ ही साथ नगर इकाई द्वारा जनपद के दो पदाधिकारियों का, अध्यक्ष और महामंत्री का भी सम्मान हुआ है। इस अवसर पर नगर इकाई के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी में आप लोगों ने एक महिला पालक के नाम से नगर इकाई में एक नया पद सृजित किया है, जिसके अंतर्गत श्रीमती विनीता जी उसका कार्यभार संभालेंगी और वो अपनी टीम को लेकर के जो हमारे नगर में या हमारे क्षेत्र में जो महिलाएं जिनको अभी मौका नहीं मिल पा रहा है, दबी कुचली हैं, अछूती रह गई हैं, जिनकी कोई समस्याएं हैं, उनसे मिलेंगी और उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम करेंगी। आज ब्राह्मण विकास परिषद नगर द्वारा जो है एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें जिले की नई कमेटी गठित हुई है, उसमें जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री का सम्मान किया गया और साथ ही में जिले के हमारे जो महावीर प्रसाद देवदी द्वारा सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, उनको सम्मानित किया गया है, और आभा पांडे जी को और गीता पांडे जी को सम्मानित किया गया है। इन लोगों ने बहुत अच्छा समाज के लिए कार्य किया है, जिसके लिए जो है ब्राह्मण विकास परिषद नगर ने इनको सम्मानित किया है। नई इकाई का भी गठन किया गया, महिला इकाई का, वो क्या था, किस लिए था? क्योंकि मातृशक्तियाँ हर संगठन के लिए जरूरी हैं, इसलिए विनीता पांडे जी को जो है नगर का जो है उनको जो है मातृशक्ति का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। आज ब्राह्मण विकास परिषद नगर इकाई का बैठक हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को जोड़ना, क्योंकि हर संगठन में, हर परिषद में देखा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रहती है, और उसी को देखते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भी ब्राह्मण विकास परिषद की महिलाएं आगे आएं, और निश्चित तौर पे वो आगे आएंगी और समाज में जो बुराइयां हैं, जो महिलाएं किसी भी तरह से परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनका उद्धार करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए हम लोग एक संगठन बनाए हैं, जिसमें मुझे महिला नगर पालक का कार्यभार सौंपा गया है, और मैं इस कार्यभार को से स्वीकार कर रही हूँ और सारी महिलाओं से अपेक्षा करती हूँ कि इस कार्यक्रम को या इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने में मेरा पूरा सहयोग करें।